हमारी जर्नी सुबह 7 बजे शुरू हुई थी सिसु से, और टांडी में फ्यूल भरवाने के बाद कीलोंग और दारचा होते हुए हम लोग जिस्पा पहुँचे, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। जिस्पा से हम लोग 9:45 AM पे निकले और जिंगजिंग बार होते हुए हम लोग सरचू पहुँचे। सरचू के बाद पांग आता है, पांग तक पूरा माउंटेन वाला एरिया है, और पांग क्रॉस होते ही प्लेन्स आ जाते हैं, मोरे प्लेन्स 40 किलोमीटर के, जो आपको काफ़ी रिफ़्रेश कर देते हैं। उसके बाद फिर तांगलांग ला, जो कि 17,000+ फीट हाइट पे है, होते हुए हम लोग उपशी पहुँचे। तांगलांग ला पे हमें स्नोफॉल भी मिला, और उपशी से फिर हम आगे लेह पहुँचे, जो हम रातों 10:30 बजे पहुँचे हैं। 5:29 हुए हैं मॉर्निंग के, और ये हमारा यहाँ पे रूम था। जल्दी निकलने का प्लान कर रहे हैं यहाँ से, मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। ये अंकल जी यहाँ पे सो रहे हैं, ब्लॉक वगैरह यहाँ पे कोई ज़्यादा लगाता नहीं है। तो गाइस ये क्रॉप लगाई हुई इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में, देख सकते हैं। ये होम स्टे है, ताशी यांगखिल होम स्टे। इसमें इस रूम में हम लोग नीचे रुके थे, और सुबह सुबह अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं मैं कहूँगा, एक चिलिंग वाइब है। ये गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं काफ़ी, एक ही चलता रहता है पानी हर समय इसमें। ये है इधर, इन्होंने गायें भी पाल रखी है, और ये हमारी गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है। तो यार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ से 6 बजे तक हम लोग निकल जाएं, क्योंकि somebody told us कि ट्रक्स चलने लगते हैं 6 बजे के बाद, और बहुत भीड़ हो जाती है। इट्स स्टिल मिस्टी बट वी हैव टू लीव नाउ, क्योंकि ट्रक्स का जो है अभी आना जाना शुरू हो गया, बाद में ट्रक ही यहाँ पे सारी भीड़ करते हैं। तो अब हम निकलते हैं। तो गाइज हम सभी भाई लोग सुबह 7 बजे निकल पड़े हैं सिसु से। कोहरा हो रहा है इधर काफ़ी, बट अभी ट्रक्स का उतना रश यहाँ पे पहुँचा नहीं है इस रोड पे। ट्रक्स यार मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रश कर देते हैं, तो 7 बजे से पहले पहले हम निकल गए, तो ये हमें थोड़ा सा टाइम बचाएगा हमारा, क्योंकि दारचा तक का मेन रहता है, उसके बाद तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। 10 घंटे का बता रहा है गूगल माता, देखिए हम कब पहुंचते हैं। सरचू 119 है, और फॉगी कंडीशंस कंटिन्यूड है। लेट्स होप हम शाम 5 बजे तक जो है लेह लद्दाख पहुंच जाएं। क्या बोलते हैं सर? पहुंच जाएंगे, धूप भी निकलनी शुरू हो गई हल्के। टांडी 10 किलोमीटर रह गया है, बट इतना शानदार व्यू देख के मुझे रुकना पड़ा। यार देखो आप कितना खूबसूरत व्यू है ये देखो, बादल हमारे नीचे भी हैं और ऊपर पहाड़, बर्फ के पहाड़। एंड ये भाई वाह, और ये हमारी गाड़ी। दोस्तों ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ, आहा भाई वाह, मेस्मराइजिंग। और सामने देखो इस समय ग्लेशियर भी है, बादल हैं, बहुत जबरदस्त व्यू। ये सामने बादल आए हुए हैं, पूरा इतनी हाइट है कि बादल हमारे नीचे हैं इस समय, बादल से भी ऊपर खड़े हम लोग। थोड़ा सा आगे चल के जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे सब इतने शानदार व्यूज़ हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग साइट है। तो मैं कहूँगा आप होम स्टे के बजाय यहाँ पे भी रुक सकते हो, हालांकि होम स्टे का एक अलग मज़ा रहता है, घर जैसा फील है, बट दिस आल्सो कैन बी अ बेटर ऑप्शन। देखिए आप कितना खूबसूरत है भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो भाई अलग ही व्यू है यहाँ के, ऊपर बर्फ नीचे ग्रीन पहाड़ है। मॉर्निंग ड्राइव का मैं आनंद ले रहा हूँ उस समय, काफी लोग लौट के भी आ रहे हैं।
काफी अनरियल सा व्यू है ये। देखो बादल, देखो कितने शानदार, सो अनरियल। यार बीच बीच में वेदर कंडीशंस बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, कभी फॉग हो जा रहा है, कभी क्लियर हो जा रहा है, कभी धूप हो जा रही है, तो यही इस वैली का, लाहौल एंड स्पीति वैली का फन है। तो भाई पेट्रोल पंप के सामने का व्यू देखो, वाह बड़ा शानदार, फिल करा रहे हैं हम लोग टांडी में। यहाँ से जिस्पा 32 है और यहाँ पे जो पेट्रोल के रेट्स हैं डीजल के, मैं दिखाता हूँ आपको, 89। तो वापस वही आ गए, मेटल से ज़्यादा रेट है, और देखते हैं भी कितना भरा जाएगा। वैसे तो हमारे फ्यूल था, बट वी डोंट वांट टू टेक चांसेस। टांडी ब्रिज पे पहुँच गए हम लोग, टांडी ब्रिज को क्रॉस करते हुए। टांडी ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये हम आए हैं इधर, ये भागा नदी है, थोड़ा टर्कोइज सा इसका कलर है, और बहुत ब्यूटीफुल वैली। और पहाड़ तो यार यहाँ के अलग ही खूबसूरत हैं, अलग ही लेवल के खूबसूरत हैं। वो देखिए आप ऊपर हमारी गाड़ी, भाई लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहे हैं। गए जिस्पा, और यहाँ पे काफ़ी टेंट्स वगैरह हैं जो इन्होंने पिच किए हुए रिवर के बगल में, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। देख रहे हैं कोई अच्छा मिलता है तो खाएंगे वहाँ पे। इधर जिस्पा में अभी जो नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी अच्छी धूप निकल आई है, धूप की वजह से कंफर्टेबल फील हो रहा है, अदरवाइज ठंड लगती है इधर। अभी देखिए आप, जून चल रहा है और यहाँ पे इतनी ठंड है, तो सर्दियों में क्या होता होगा। ये है हमारा पराठा, और काफ़ी टेस्टी है इतनी ठंड में पहाड़ों के बीच में बैठ गए जी। कैसा लगा आपको उम्दा पहाड़ों के सामने बैठ के नाश्ता करते हुए? उम्दा। वो वर्मा जी, तुम्हारा कैसा पराठा? बहुत अच्छा भाई। ये सोनम रेस्टोरेंट टाइप का, कुछ ढाबा टाइप का है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं लोग। ये बिल्कुल हर्मिटेज कैंप के सामने ही है, लग्जरी कैंप के जिस्पा में। जिस्पा में तो आप जब भी अगर यहाँ पे आते हैं तो इनके यहाँ खा के जाइए, हाईली रिकमेंडेड। हमने ऑर्डर किया था ब्रेड ऑमलेट और परांठा, बोथ आर गुड, इवन द टी इज गुड। फ्रेशली बेक करके ब्रश ब्रेड वो ऑमलेट में लगा कर दिए सेक कर, बेक कर नहीं सेक कर जी गाइस, हम दारचा पहुंचने वाले हैं, ब्रिज आ गया है। जिस पास से दारचा ज्यादा दूर नहीं है और रास्ता भी बहुत फाइन है, तो आराम से आप लोग जा सकते हैं। तो दारचा में हमारी व्हीकल की एंट्री हुई है बस, और कितने लोग हैं पूछा, और उसके बाद जाने दिया, कहाँ जा रहे हो पूछ के। आगे बढ़ते हैं, अपडेट करते हैं आपको। तो अब सरचू के लिए आगे बढ़ते हुए शिंकुला
वाला जो कट आता है वो पीछे जा चुका है। भाई ये कैसा आप लोग मतलब फील हो रहा है? बहुत ऑसम, बहुत ऑसम। कैसे लग रही वादियां, कैसी लग रही हैं? हर मोड पर एक नया व्यू है। वाटर क्रॉसिंग आ गई है भाई, बहुत छोटी सी, लेह लद्दाख का फन लेते हुए हम लोग। लैंडस्केप तो यार अनबिलीवेबल होता है। दो पहाड़ों के बीच में आप स्टार्क डिफरेंस देख सकते हैं, एक एकदम बैरन सा है थोड़ा ग्रीनिश में और एक एकदम पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो ये यार यही ब्यूटी है यहाँ की। पहला ऑफ रोड पैच मिला है हमें और इससे हम ट्राई करेंगे गाड़ी को निकालने का। तो ये गाइस ये उतार दी है गाड़ी और वाह आराम से हम लोग इसे निकल जाएँ। वाटर क्रॉसिंग है, पूरा ऑफ रोड है, मस्त। हमारी एक्सयूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाइकर्स आते हुए क्या बड़ा पैच है यार ये। गड्ढा तो बड़ा है, भाई व्हील स्पिन हुआ बट निकल गई गाड़ी। गाइस हम पहुंच गए जिंग जिंग बार, क्योंकि एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे गाड़ी और फिर अपना आगे बढ़ेंगे। देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ से हम थोड़ा सा वॉक करके नीचे जाएंगे, रिवर साइड तक जाने का हमारा मूड है। से एक बारी में एक ही गाड़ी अलाउड है। होप हमारी गाड़ी का लोड ले ले। तू देखो भाई बारा लाचा के पास अभी हम पहुंचने वाले हैं, बट उससे पहले ही व्यूज जो है ऐसे हो चुके हैं कंटीजियस। ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं जनाब। यस। कैसा लग रहा है सर? इट्स फन टू ड्राइव। रियली रियली अमेजिंग लैंडस्केप। फॉर्च्यूनर एंडेवर, फॉर्च्यूनर एंडेवर। अब समझ आया जो 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 ट्रैवलर्स हैं यहाँ ना पसंद नहीं करते। लैंडस्केप ऐसा है ही नहीं कहीं। We'll be right back.
जब से चले हैं यार बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को कि हमारे आइस बॉक्स में आइस नहीं है, तो हमने सोचा यार फ्रेश यहाँ पे पड़ी है तो यहीं से अपना रिफिल कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा फोल्डिंग शॉवल आइस को लोड करने के लिए हमारे आइस बॉक्स में। आइस ना ऊपर से उठाना, नीचे मिट्टी है, तो चॉकलेट निकाल लो इसमें से, चॉकलेट खाएंगे। लो और ये हमारे त्यागी जी रात के जुगाड़ करते हुए, आइस बॉक्स में बर्फ है, ऐसी बर्फ मिलती नहीं है, एकदम रेशम जैसी। लगा देखो ऑल सेट, सब दबके असरों के नीचे। तो गाइस बारह लाचा लापे से जस्ट पहले हमें जाम मिल रहा है। तो ये देखिए भाई सब सामने आप देख रहे हैं जाम लगा हुआ, बारह लाचा लापे पूरा जाम लगा हुआ है, गर्मियों की छुट्टियां पीक सीजन पे जाम लगा हुआ है। ये देखो भाई ऑक्सीजन गिरता जा रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड, सभी लोगों के ऑक्सीजन लेवल गिरे हुए हैं। भाई साहब का 85, मेरा 83, इसका 80 है। कितना? 80 80 है सबसे ज्यादा है, अब तो मैं कर रहा हूँ इसीलिए तो जाम बहुत लंबा था। बाहर आ गए हैं अभी, और हल्के हल्के से आप शायद फील कर पाए स्नोफ्लेक्स पड़ रहे हैं इधर, और जाम देखो यार कितना लंबा है देखो भाई। लेकिन 8.9 का एवरेज आ गया, 12 लच्छा पास से पहले फंसे हुए, लैंडस्लाइड हो गई है यहाँ पे, काफी घंटे का जाम था, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, लैंडस्लाइड, अभी भी पत्थर गिर रहे हैं लोग बोल रहे हैं। और देखो यार जिंदगानी रही तो मिलेंगे उस पार गाइस 2 घंटे खड़े होने के बाद अब थोड़ा सा मूव करें हम लोग, एक तरफ का ट्रैफिक पूरा क्लियर हुआ उसके बाद ही हमें अलाउ किया गया कि आर्मी पर्सनल इधर, आगे 2 आर्मी के ट्रक्स भी जा रहे हैं, एक स्कॉर्पियो उसके पीछे हम लोग हैं। गाइस ये जगह देखिए आप, यहाँ पे लैंड स्लाइड का खतरा है, ये देखो गिर रहे पत्थर छोटे 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 छोटे, आगे बड़े बड़े गिर रहे हैं, यहाँ पे जाम में खड़े हैं हम लोग काफी देर, तो इसे देखे पीछे मिलिट्री के ट्रक पे ट्रक लगे। कैसा रहा भाई हो ये? क्वाइट एडवेंचरस। देखो गाइस अभी मिलिट्री वालों ने हमें बताया है, निकले हम 7 बजे के हैं, बट अभी यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं, 1 बज रहा बल्कि, कि अगर आप सरचू पहाड़ ना कर पाए 4 बजे तक, तो इट्स बेटर यू स्टे इन सरचू, बिकॉज उसके बाद रात को हाई पासेस पे बर्फ गिरने लगती है, एंड उसके बाद गाड़ी स्किड होने लगती है, तो आगे जाने की डेयरिंग मत करना। उन्होंने बोला सरचू के बाद कुछ ज़्यादा स्टे के ऑप्शंस नहीं है, तो हम देखते हैं यार, वैसे तो हम डेयरिंग लोग हैं, ये कुछ है नहीं हमारे लिए, बट अब देखते हैं यहां से कब तक हम निकल पाएंगे। जिंदा रहे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये है भाई लैंडस्लाइड हो रही है, लाइव लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, अभी पत्थर गिर रहा है हल्का हल्का, और जा रहे हैं एडवेंचर जो है वो ठीक है, बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। देखो बड़ा ऑफ रोड है यार, ये देखो पत्थरों पे से ही जा रहे हैं हम लोग, पूरा पत्थरों पे से जा रहे हैं, और हमारे राइट साइड में बहुत खूबसूरत सा सरोवर, एक तरफ का ट्रैफिक रुका हुआ देखिए आ गया ना? भाई को कोई चिंता नहीं है, ऊपर से अपना निकल रिलैक्स चल रहा है बंदा। इतना रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में भाई। निकल गए जाम से दोस्तों,
ये देखो भाई साहब बर्फ की चादरों को क्रॉस करते हुए डेसोलेट अनकंस्ट्रक्टेड एंड वाइल्ड एरिया है ये। रोड थोड़ा खराब आ गया यार, अभी बैड पैच ऑफ रोड, फुट काफी है इस रोड पे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बहुत खराब है। एक तो बारिश का, पिछले दो दिन से बारिश हो रही है, अगले दो दिन भी होनी है, तो थोड़ा सा टफ है। बर्फ हटाई जा रही है रोड पे, बर्फ है, क्रेन क्लियर कर रही है रोड को। कितनी ऊंची दीवारें देखिए, 20-20 फीट ऊंची दीवारें हैं बर्फ की। मेंटेनेंस करी जाती है, बर्फ हटाई जाती है, रोड पे पॉसिबल हो पाता है। ये सामने एकदम लाल लाल से पहाड़ आ गए अभी। कैसे माउंटेन्स ने अपना कलर चेंज किया है, वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए ले मेस्मराइजिंग है यहाँ का लैंडस्केप ना, हर पास के बाद चेंज हो जाता है। यू हैव टू सी दिस टू बिलीव दिस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंडस्केप। एक खराब पैच आ गया है, ऊपर से रोड बनने लग रही है वो, तो ये ट्रबल खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तो है। शॉकर्स पूरे टेस्टिंग पे हैं इस समय गाड़ी के, छोटा सा पुला है। जिसका लोड क्लास 9-10 तक का लोड ले सकता है। एक बार फिर लैंडस्केप चेंज होते हुए, वो देखो भाई ड्रैग रेस चल रही है, पन्नू भाई कर रहे हैं ड्रैग रेस। डस्ट का स्टॉर्म खड़ा कर दिया है रेगिस्तान में। पन्नू भाई है क्या? वही है। ही लैंडस्केप चेंज होता है इस रास्ते का, एन रूट टू ले। सरचू पहुंचेंगे अभी हम थोड़ी देर में, और कोशिश तो पूरी पूरी यही है दोस्तों की चक दे ले तक। लैंडस्केप चेंज हो गया है, वाह भाई वाह। पाकिस्तान के बाद आ गई मीडोज, भाई मस्त जगह है यार ये लद्दाख। क्या बोलते जनाब? पल पल में जो है पूरा सीन चेंज हो जाता है। ये सरचू है, सरचू में कैंप्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। ये देखो भाई बाइकर्स जा रहे हैं।
मस्त प्लेन्स आए हैं भाई साहब ने, गाड़ी जो है फुल रफ्तार पे दौड़ा रखी है 80-90-100 ये सर्चू है, सर्चू में कैंप्स हैं लेफ्ट साइड में, तांगलांग लाग 142 ले 250 वही सरचू पहुंच गए हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट था, उस चेक पोस्ट पे बेसिकली हमारी फिर एंट्री हुई है, कोई परमिशन वगैरह चेक नहीं हुई है। जून 2022 की पोजीशन आपको बता रहा हूँ। ये तो चली बियर मिल गया हाँ जी, वो देखो सरचू में यार, ये थोड़ा ऑफ रोड होके ना फिर यहाँ से ऐसे टर्न लेंगे और इस पुल से पार करना है। श्रीनगर से आने में बहुत ज़्यादा परमिशन हो सकता है। वेट करते हुए कि पहले ट्रक पास हो जाए फिर साड़ी गाड़ी जाएगी। चलो जी चलो, कोई दिक्कत नहीं, उस पे खड़ा नहीं है। नो पार्किंग ऑन ब्रिज। गाइस यहाँ से ले 251 अभी 2:30 बज रहे हैं, पता नहीं हम किस टाइम पहुंचेंगे। ये देखो भाई यहाँ का लैंडस्केप देखो आप, खूबसूरती दिस इज कॉल्ड विस्की ब्रिज, पीछे विस्की लिखा था, यहाँ पे बिस्की क्योंकि यहाँ के लोग विस्की को बिस्की ही बोलते हैं। और हमारे सामने एक गाड़ी है फिर निकलने के बाद हम उसे जाएंगे। और ये इधर खूबसूरती करके हम पहुंच गए। हाँ जी, हाउ इज द ब्यूटी, बहुत जबरदस्त सुंदर पहाड़ है यार। ये देखिए आप, ऊपर चट्टाने नीचे अलग ही टेक्सचर है। और आगे आपको बजा के दिखाता हूँ, ब्लू कलर का पानी नदी का, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Guys, watch the Grand Canyon of India. ये देखिए, ये
स्टार्ट हो गए हैं। 21 लूप्स है ना पीछे लिखा हुआ। 21 लूप्स हैं ये, जिसमें जिम्मेदारी भाई साहब ने उठाई है गाटा लूप्स पार कराने की। मोरे प्लेन्स में हम ले लेंगे। देखिए यार, यहाँ पे वेट करना पड़ता है गाटा लूप्स में, और यहाँ के ट्रक वाले काफी एग्रेशन में भी चलाते हैं मैंने देखा है। एक और आ गया भाई गाटा लूप्स पे से उतरता हुआ ट्रक, तो वेट कर रहे हैं साइड में लगा के। गाटा लूप्स थोड़ा सा लगता तो है रिस्की है, बट अगर आप अपनी साइड पे चलें, हॉर्न दे के चलें टर्न्स पे, और अगर बड़ी गाड़ी आ रही तो थोड़ा ट्रक वगैरह आ रहा है तो थोड़ा देख के पास दें तो आराम से पहुंच जाएंगे आप। नॉट अ बिग डील। शानदार वॉलनुमा पहाड़ है। ये भाई साहब जो है ना बड़ा पेट खराब रहता है इनका। अरे क्या हो गया, जाम लगा हुआ है। तो ये है गाटा लूप्स, पूरा लूप लूप वाला ये रोड है, और देखिए जैसे पूरा लूपी लूपी रोड है ये। सामने देखिए कितना खूबसूरत है, आगे छोटा सा जाम लगा हुआ, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। काटा लूप्स पे जाम लगा हुआ है, काफी दिक्कत है यार, डिले हो रहा है हमें। गाटा लूप्स टोटल 21 थे और 4600 मीटर्स पे हमें लेके आए हैं। काफी ज्यादा हाइट है, काफी ज्यादा इधर ठंड है। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन, ऑक्सीजन लेवल, हाँ सांस थोड़े से लंबे खींच के लेने पड़ रहे हैं। पांग अब ये देखिए 41 रह गया है, अभिषेक का ऑक्सीजन लेवल 70 रह चुका है सिर्फ। देखो भाई ये आपको स्नोफ्लेक्स दिख रही है, हाँ बहुत बढ़िया स्नोफ्लेक्स गिर रही है। ये हमारी गाड़ी में भी आ रही है, देखिए देखिए देखिए, हाँ। इट्स क्रिसमस टाइम ब्रो, और ये मैं स्नोफ्लेक्स को एंजॉय कर रहा हूँ। ओहो, सेंटा क्लॉज इज कमिंग टू नाइट, जल जाएगा ये। देखो भाई फिर जाम लगा हुआ, गाटा लूप्स पार करने के बाद फिर जाम है, और ये यार बड़ा ही ना इरिटेटिंग है इस समय टूरिस्टी सीजन में। वैसे थोड़ा फन ये है कि इस समय स्नो पड़ रही है, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की लेह में, उधर बाइकर्स अपना मत्था टेकने जाते हैं, टैंकर पे टैंकर, ट्रक पे ट्रक, बहुत गाड़ियां हैं यार। अब दो गाड़ियां आमने सामने से क्रॉस भी नहीं कर सकती। उधर देखो नीचे भी जाम लगा हुआ है उधर, और इधर हम लोग इधर भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार। क्या फायदा है यार, सुबह 7 बजे का चला बंदा 300 किलोमीटर नहीं कवर कर पा रहा है। अरे यार टेक ये है भाई, इन्होंने जिंदगी हराम कर रखी है। चूसू करा दो, दूध पिला दो। ये बंद है नगीला पास, नगीला पास हमने कर दिया है। बहुत तेज आवाज चल रही है, देखिए गीला पास से होके आए हैं हम लोग बाहर। सभी की सांसें फूल गई हैं। अभिषेक भाई, हाँ जी, कैसा लग रहा है? त्यागी जी ने भी टोपा लगा लिया है फाइनली। यार ये रास्ता इतना खराब है ना पांग तक, तो पता नहीं आगे कैसा होगा, फटीग हो जाता है, और ऑल्टीट्यूड भी हाई है। तो अभी नकीला पे उतरे थे सर, काफी हैवी हो गया। रात को तकरीबन 11:30 बजे सो के हम लोग 5 बजे उठ गए थे, तब से अब तक हम सोए नहीं है। थकान है, हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, खाली दूध पिया था, वांटी ने पिलाया था।
गाय का फ्रेश इसे पिलाया था आंटी ने हमें, तो वो भी नहीं पिलाया। टोरा सोरा की पहाड़ी में स्ट्रगल करते हुए अब गौरव आंटी को आंटी बोलता रहा, अभिषेक दीदी बोल के काम चला गया, इसलिए हमें दूध मिल गया। एक और नया टाइप का टेरन देखने को मिलेगा, एक नया रूप। काफी ट्रक तो भरमार के यार यहाँ पे परेशान करके रखते हैं, भले लोगों को चलने नहीं देते हैं लोग। गर्मियों में ट्रक चलाते हैं, सर्दियों में ये शाल बेचते हैं। 5 बजे निकलो, भेड़ की खाल की शाल बेचते हैं। वो अलग ही पहाड़ियाँ हैं यार, अलग ही पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही डिफरेंट है यार, लग ही नहीं रहा कि अपना देश है। नोकीले पहाड़ ये देखिए आप, नोकीले, काफी नोकीले, नकीला पास पे नुकीले पहाड़ देते इन पहाड़, इस पास का नाम नकीला नुकीला पास। नीचे भी तो देखो, ऊपर देखना अपने, इधर से ऊपर देख। ओए ओए ओए, देख अच्छा भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अलग ही चीज है यार। जो भी है, हम जैसलमेर एंटर करने वाले हैं, जैसलमेर से कम नहीं है। ये देखो भाइयों, इधर सीनरी अलग है और इधर अलग है, बिल्कुल जमीन में वो है, मिट्टी का ढेर लगा रखा है बस भगवान ने। बड़े बड़े रेत के टीले नजर आ रहे हैं। हम मार्स की धरती पे उतर चुके हैं, नो वेजिटेशन नो नथिंग, अलग ही दुनिया है दोस्तों। अच्छे भाई फोटो ले लो, भाई को कोई शौक नहीं फोटो वीडियो का सोने के अलावा। ना वो गाने चला रहे, कुछ नहीं है, देखे रहे तो गाने चला रहे यार। अलग ही कुछ बना हुआ है, देखो नेचुरली बना है सब। टूटी फूटी और सामने खूबसूरत पहाड़, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे इंडिया में। कृतियां बनी हुई है भाई, नेचुरल राजा का महल, कोई महल नहीं था भाई साहब, ये नेचुरल स्ट्रक्चर्स है जो आप बता रहे हो। राजा का महल था यहाँ, राजा रहा करता था, राजा ले घाटा झाटा और नकीला पास के बाद सुकून मिला है पांग में। पांग में काफी लोग आए हुए,
गाइस ये आ गए मोरे प्लेन्स, एकदम से पहाड़ के बीच में से प्लेन्स आ जाते हैं गाइस, इसको बोलते हैं मोरे प्लेन्स। चारों तरफ पहाड़ और ये हम अपनी एक्सयूवी 7 डबल ओ से चले जा रहे हैं मोरे प्लेन्स का आनंद लेते हुए। एकदम से पहाड़ों के बीच में प्लेन्स आ जाते हैं, क्वाइट मेजेस्टिक, क्वाइट मेजेस्टिक। दोस्तों वी आर गोइंग पासिंग फ्रॉम मोरे प्लेन्स, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे प्लेन रास्ता है ये और ये पहाड़ यहाँ के। स्नोफॉल हो रही है, दिख रही होगी आपको, ब्यूटीफुल। तांगलांगला से थोड़ी दूर है हम लोग और स्नोफॉल शुरू हो गई है। खराब हो गई है भाई की, उल्टियां कर रहे हैं। और देखो बर्फ, देखो स्नो, देखो स्नोफॉल, स्नोफ्लेक। तुम उसकी हेल्प करो, स्नोफ्लेक। अभिषेक गाड़ी में आगे करूंगा, स्नोफ्लेक्स। देखिए भाई साहब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है और आगे माहौल खराब ही होने वाला है। अपनी तो बिल्कुल कुल्फी जम रही भाई। ये पहुंच गए भाइयों तांगलांगला पास। अचीव कर दिया हमने शाम 7 बजे, थोड़ा लेट है बट वी आर हियर। ऑक्सीजन की कमी तो है दोस्तों। क्रॉस करने के बाद रोड इस टाइप की है, खराब रोड है, एक तरफ में बर्फ के ऐसे दीवार है।